अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैना हसन, आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आज यहां पर इंटर क्लब स्कूल फुटसॉल और थ्रोबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है। यहां पर डिफरेंट स्कूल्स की 16 टीमों ने इस लीग में हिस्सा लिया है, तो आइए यहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजर से आपकी बात करवाते हैं और प्लेयर्स से भी कुछ मुलाकात करवाते हैं। सुबियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुरतलैन, जो कि यहाँ पर इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र है। आइए कुछ बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। एनी, बताइए कि इस इवेंट के बारे में कुछ बताइएगा और कितनी टीम्स में यहाँ हिस्सा लिया है उसके बारे में बताइएगा। इसमें 16 टीम थ्रोबॉल में हैं गर्ल्स में और 16 टीम जो हैं वो फुटसॉल में हैं। डिफरेंट स्कूल्स की हैं और यहाँ पर अभी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट इवेंट है मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जो कि हम लोगों ने भी आज ऑर्गेनाइज़ किया है और इसके मैचेस अभी कंटिन्यू हैं। थ्रोबॉल के कुछ मैचेस हो चुके हैं, कुछ फुटसॉल के मैचेस हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो कंटिन्यू हैं। सुवेयर से हमारे साथ मौजूद है थ्रोबॉल की टीम की कुछ लड़कियाँ, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम बेटा? फायज़ा। फायज़ा कौन से स्कूल से हो? आहत पब्लिक स्कूल। ये मुझे बताओ कि अभी यहाँ पर तुम्हें सिद्दीक मेमन में पहली दफ़ा आई हो, तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर और कैसा इवेंट कैसा रहा तुम्हारा, अभी मैच कैसा रहा? अभी तो हमारी टीम के कुछ लड़कियों ने खेला था, बहुत बहुत अच्छा खेला और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा, और तुम, आपका नाम बेटा? इफ्तिखार। आप मुझे बताओ आपकी कैप्टन कौन है यहाँ पर? अलीना। कैप्टनसी में वो कैसी है ये बताओ? बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है हर चीज़ का। और आज जीते हारे क्या हुआ ये भी थोड़ा बताओ? आज तो हम हार गए लेकिन हमने टफ कंपटीशन किया। आई होप नेक्स्ट मैच में जीत जाए। ज़रूर, इंशाल्लाह मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है, तुम लोग सब दोबारा आओगे और जीतोगे इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स देख सकते हैं आपके गर्ल्स जो हैं यहाँ पर पुरजोश हैं, फर्स्ट टाइम है, कोई बिगनर है, कोई पहली दफ़ा खेल रहा है, बट यहाँ पे जोश टैलेंट सब है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे देखते हैं और कुछ और प्लेयर से बात करते हैं। आइए बात। सो व्यूअर्स हमारे साथ एक और टीम मौजूद है थ्रोबॉल की, आइए इनके मैनेजर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। अब्दुल्ला हारिस। अब्दुल्ला, बताइएगा कि कौन से क्लब से हैं और अपने क्लब के बारे में, अपनी टीम के बारे में कुछ बताइएगा। द सोशल बॉन्ड, और हमारे इधर एक क्लब है जो फुटबॉल का है और एक थ्रोबॉल का है। हमारे पास गर्ल्स आई हैं, 3 कंपेसेस हमारे, जिनमें से हमने काफ़ी अच्छी अच्छी गर्ल्स सेलेक्ट की हैं, जिनमें से हमने बना के 2 टीमें बनाई हैं, जिनमें से एक थ्रोबॉल की है और एक हमारे पास फुटबॉल की है। अच्छा, थ्रोबॉल में मुझे बताओ क्योंकि इंडिविजुअली मतलब परफॉर्मेंस चाहिए होती है या पूरी टीम का हाथ होता है इसमें? जाहिर सी बात है, अगर एक टीम है तो टीम वर्क ही लाजमी होगा कि टीम परफॉर्मेंस नहीं होगी, एक अकेले बंदा कितना अच्छा खेल सकता है, टीम वर्क ही सबसे ज़रूरी है। सो व्यूअर्स हमारे साथ एक फुटसॉल की प्लेयर मौजूद है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सईदा बतूल है और हम TLH की तरफ से खेलते हैं। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि तुमने ये ही गेम क्यों चूज़ किया, क्योंकि अमूमन लड़कियाँ जो है वो टेनिस की तरफ, बैडमिंटन की तरफ जाती हैं और दूसरे गेम्स की तरफ जाती हैं, तो ये तुमने फुटबॉल ही क्यों चूज़ किया? फुटबॉल किसी जेंडर से रिलेट नहीं करता, मतलब कोई भी खेल सकता है और हम बॉयज़ से भी अच्छा खेल सकते हैं, तो हमें फ़ुटबॉल पसंद है, तो इसीलिए हमने फुटबॉल ही चूज़ किया। अच्छा, आज टूर्नामेंट के लिए तुम लोगों ने क्या तैयारी की है, कैसी टीम वर्क है तुम लोगों का और प्लेयर्स क्या, मतलब कैसे, कैसा जोश खरोश है, मतलब जीतना है, क्या करना है? तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मैच को जीत जाए, हम बहुत टफ मेहनत कर रहे हैं, इसी मतलब हमें जीतना है। ये सर ने कहे कि हमें इस मैच को फाइनल तक पहुंचाना है और फाइनल भी जीतना है। अच्छा, इतने शौक से जैसे तुम लोग खेल रहे हो, घर में क्या सपोर्ट रहता है तुम लोगों को आने के लिए? घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते रहते हैं कि मतलब जो शौक है आप जा सकते, खेल सकते, घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट है। अच्छा चलो, अच्छा है, ज़बरदस्त है और मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो और आज जीत के जाओ यहाँ से अपनी टीम के साथ। चले जी, आज देखते हैं कि इंशाल्लाह ये लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन ये कि कम से कम आए, खेले, घर से सपोर्ट मिला, एक यही बहुत बड़ी बात है। तो आइए कुछ और प्लेयर से बात करते हैं, कुछ और गर्ल से भी बात करते हैं। सो व्यूअर्स हमारे साथ एक छोटी सी फुटसॉल की प्लेयर मौजूद है, आइए इससे कुछ बात करते हैं। बेटा नाम बताओ। माई नेम इज़ फरवा ज़हरा। बेटा कब से खेल रही हो फुटसॉल? हम लोग 2 साल से खेल रहे हैं फुटसॉल। अच्छा अच्छा, और मतलब आगे तुम, अभी तुम कितने खेल चुकी हो, कितने मैचेस खेल चुकी हो अभी 2 सालों में? 7 मैच। 7 मैचेस, और कितने जीते कितने हारे? पूरे विन किए माशाल्लाह से। सब में विन किया है। अच्छा, अब ये बताओ फुटसॉल के लिए कि आगे क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में अभी?
मैं अपने मुल्क की नाम रोशन करना चाहती हूँ। नाम रोशन करना चाहती हूँ, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर करोगी। अभी यहाँ पर अपनी बहनों के साथ आई हो, किसके साथ आई हो? फादर के साथ। फादर के साथ आई हो, ज़बरदस्त। चलें भी देखते हैं अब आगे भी कुछ और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, कुछ और प्लेयर से भी बात करवाते हैं आपकी। आइए सो व्यूअर्स, हमारे साथ एक और एक फुटसॉल की प्लेयर मौजूद है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बताइएगा। माय नेम इज़ अस्मा खान। आप कौन सी क्लब से आई हैं और अपने क्लब के बारे में बताएं और कब से खेल रही हो ये भी बताओ। मैं नसीमा मीद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से खेल रही हूँ और काफ़ी टाइम से खेल रही हूँ फुटसॉल। मैंने तकरीबन 2 साल हुआ है कि स्टार्ट किया है। वैसे मैं फुटबॉल खेलती हूँ और अच्छा फुटबॉल ही क्यों खेलती हो? लाइक गर्ल्स तो ज़्यादातर बैडमिंटन, मुझे लगता है बैडमिंटन है और टेनिस है, ये इस तरह के गेम्स खेलती हैं, फुटबॉल ही कैसे चूज़ कर लिया तुमने? मेरा पर्सनली इसमें इंटरेस्ट बहुत है और स्कूल लेवल से क्रिकेट वगैरह बस स्कूल लेवल पे खेला है और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट जो डेवलप्ड हुआ है वो फुटबॉल की तरफ हुआ है और मेरा इसी में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने अपना यही फील्ड चूज़ किया। अच्छा, जैसे कि ये हम थोड़ा अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो टीम्स हमारी बाहर भी जाती हैं, मतलब ज़ाहिर है प्रोफेशनल खेलने के लिए, तो फिर उसमें कैसे तुम लोग चले जाते हो, फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है? अमूमन गर्ल्स को जो है वो इजाज़त नहीं मिलती है बाहर निकलने की ऑब्वियसली, तो उसके बारे में कुछ बताओ। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, फैमिली की तरफ से थोड़ा इशू होता है लेकिन वो सपोर्ट करते हैं जब भी हम लोग आज यहाँ पर खेल रहे हैं। और इसी तरह नेशनल चैम्पियनशिप जब होती है तो हमें बाहर भी जाना पड़ता है दूसरे शहर में, तो हम गए भी हैं। लास्ट टाइम हमने यानी लास्ट से लास्ट टाइम हमने लाहौर में चैम्पियनशिप खेली थी और पिछले साल तो यहीं पर कराची में चैम्पियनशिप थी, तो इतना मसला नहीं था, लेकिन बाहर होता है तो ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट करती है और हम लोग जाते हैं। चलो ज़बरदस्त, अच्छी बात है ये। और गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगी कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करें और प्लेयर्स को क्या बेनिफिट्स मतलब और होने चाहिए, किस तरह इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज़ करें, कुछ बताओ उसके बारे में? मेरा सिंध गवर्नमेंट को यही सजेशन है, यही मशवरा है कि वो प्लीज़ वो इन चीज़ों को सीरियसली लें क्योंकि गर्ल्स बहुत आगे जा सकती हैं इस चीज़ में अगर वो सपोर्ट करें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जिस तरह के अभी हो रहे हैं, बहुत टाइम के बाद हुए हैं लेकिन आगे भी होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे थे अभी बीच में। तो मेरा यही सिंध गवर्नमेंट को पैगाम है कि वो गर्ल्स के लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती रहे, इस तरह के टूर्नामेंट्स होते रहें। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ऑब्वियसली ज़ाहिर है गवर्नमेंट लेवल पे जब तक सपोर्ट हासिल नहीं होगी प्लेयर्स को तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हमारी टीम्स हम अपने प्लेयर्स को आगे नहीं लेकर आएंगे तो वो किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि गर्ल्स हैं स्पेशली इतनी मुश्किल से अपनी फैमिली को कन्विंस करके आगे बढ़ती हैं, तो उनको सपोर्ट करें और उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करें। सो व्यूअर्स, हमारे साथ एक और एक प्लेयर्स मौजूद हैं फुटसॉल की, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा नाम बताओ अपना। सुमैया। कौन से क्लब से खेल रही हो, अपने क्लब के बारे में कुछ बताओ बेटा। हमारे क्लब का नाम हज़ारा गर्ल्स अकेडमी है और मंगोपीर से। और कब से खेल रही हो तुम ये फुटसॉल? 2 ईयर्स। 2 साल से खेल रही हो, अच्छा। और कितने मैचेस में अभी तक तुम हिस्सा ले चुकी हो? अभी जैसे कि तुम 2 साल से खेल रही हो तुम बता रही हो, तो नेशनल पे हम लोग खेले हैं और दिया वुमेंस और ड्रीम वर्ल्ड पे भी खेल चुके हैं। अच्छा, और बहुत सारे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं TLS गर्ल्स की टीम जो कि थ्रो बॉल में भी और फुटसॉल में भी विनर टीम रही है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी मेहनत रंग लाई तो उनको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे चलकर और मेहनत करेंगे, इसी तरह ट्रॉफीज फाइनल जीतेंगे। टीम वर्क होता है जाहिर है, सब लड़कियों ने अच्छे से मिलकर परफॉर्म किया। थोड़ा सा तुम पहले मुझे नर्वस लग रही थी, बट अब जीत गई हो तो बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। और टीम के लिए क्या कहोगी, टीम की गर्ल्स के जिन्होंने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आई है, तो उसके लिए तुम क्या कहोगी? इंशाल्लाह ये आगे जाकर मतलब अपने माँ बाप के नाम रोशन करे और चैम्पियनशिप भी खेले, हाँ आगे जाए, मैं इनके लिए यही दुआ करूँगी। चलो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, सन स्पोर्ट्स की तरफ से। सो मैं हूँ सना हसन, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।